हैव अ स्पेशल डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं अभिषेक मिश्रा आप लोगों के सामने आया हूँ एक फैक्ट के पीछे का एक्चुअल रीजन लेके। वो फैक्ट उस ऑर्गेनिज्म पे है जिसका अक्सर हम यूज करते हैं किसी को इंकरेज करने के लिए। जब किसी को इंकरेज करने के लिए हम उदाहरण देते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। वह ऑर्गेनिज्म का नाम है एंट, चींटी। चींटी एक बहुत ही लेबरस ऑर्गेनिज्म है जो कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अगर चींटी जा रही है और अपना अगर हाथ आप बीच में रखिएगा तो वह बगल से पार हो जाएगी, लेकिन वह रुकती नहीं है तो वह अपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यूअस बढ़ते रहती है। तो हमें भी उसी की तरह अपने गोल के ओर कंटिन्यूअस बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा हम लोग उदाहरण देते हैं। पर फैक्ट है कि जैसे चींटी, आप चींटी के ग्रुप को देखते होंगे कि वह एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। आप ये सोचते होंगे कि मतलब ऐसा डिसिप्लिन कैसे हो सकती है कि वो लोग एक रो में है। देखते होंगे ना कि एक रो में है, एक रो में ऐसा कैसे होता है। हो सकता है कि आप क्या कीजिए, आप बीच में अपना हाथ रख दीजिए और फिर हटेगी और फिर उसी रो को फॉलो करना शुरू कर देगी, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो रीजन है मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको चींटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए चींटी जो है उसका स्मेलिंग सेंस बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। वह स्मेलिंग पावर उसका बहुत अच्छा होता है और जो चींटी है उसका जो आंख है वो बहुत छोटा होता है। एक्चुअली जो चींटी है वह एक समय में किसी एक ही इमेज को अपने आई में देख सकती है। देखिए जैसे एक्चुअल एग्जांपल, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके आंख में सिर्फ ये वीडियो का इमेज नहीं, इसका भी इमेज बन रहा होगा, या फिर आपके जो मोबाइल के अगल बगल होगा उसका भी इमेज बन रहा होगा। पर जो चींटी है उसका आंख इतना छोटा होता है कि उसके जो सामने सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो भी चीज होते हैं ऑब्जेक्ट, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का उसका बन पाता है। और अगर जो चींटी हो, आपको पता होगा कि एक कोने में रहती है, जब वहां से निकलती है इन सर्च ऑफ फूड या फिर कुछ भी के लिए बाहर निकलती है, तो बाहर निकली अब उसको वापस अपने कोने में जाने के लिए कोई रास्ता मालूम नहीं होता है, उसको नहीं पता चल पाता कि हम कैसे जाएं, ठीक है। तो इसी के लिए अब नेचुरली उसके जो नीचे जो होती है चींटी, उसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फेरोमोन, ठीक है। तो जब चींटी झुंड में बाहर निकलती है इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, तो जो सबसे पहली चींटी होगी वो होती है लीडर, तो वो आगे बढ़ रही है इन सर्च ऑफ फूड। तो वह अपने अपने बॉडी से जो बोल ना फेरोमोन, ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है, ठीक है, और वह निकाल रही है और फिर आगे बढ़ी। तो उसको जो पीछे हो पानी होती है चींटी, वह उस फेरोमोन जो हार्मोन है उसको स्मेल करती है और फिर उसको फॉलो करती है। अब ऐसा ही जितने भी चींटियां हैं वह सब करेगी, ठीक है, और सब अपना सेक्रेट कर रही है फेरोमोन, और जो उसके पीछे वाले फेलो हैं वह उसको सेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आगे उसको उस फूड मिल गया, फिर अब वापस वो लोग आ जाएंगे अपने उसी जो फेरोमोन वो लोग सेक्रेट की हार्मोन उसी की वजह से, ठीक है। तो ये जो फेरोमोन है वह फूड फेरोमोन है, और ऐसे बहुत सारे फेरोमोन भी होते हैं जैसे कि सिक्स फेरोमोन, ऐसे अलग अलग भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो फेरोमोन लोग किए वह सेकेट किया और उसको स्मेल किया, जो पीछे जो चींटी थी वह उसको स्मेल की और फिर आगे बढ़ी, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आप जब देखे होंगे कि दो चींटी अपना हेड आपस में मिला रही है, कभी देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे तो जान लीजिए, जब आप देखिएगा कि दो चींटी आपस में अपना हेड मिला रही है, इसका मतलब होता है कि वो लोग टेस्ट कर रही है कि जो सामने वाला चींटी है वह उसके कॉलोनी से ताल्लुक रखता है कि नहीं रखता है। जब दो चींटी अपना हेड आपस में मिलाती है तो इट्स जस्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, किसे हम लोग हाथ मिलाते हैं किसे मिलते हैं, तो वैसे ही वो लोग अपना सर मिलाती है और एक दूसरे को स्मेल करती है, ठीक है, कि जो उसका जो फेरोमोन है वह जो कॉलोनी से वो लोग बिलोंग करती है उसका है कि नहीं। हर एक कॉलोनी का अलग अलग फेरोमोन होता है, तो स्मेल करती है, उसको जब स्मेल हो जाए कि हाँ कि यह मेरे ही कॉलोनी का है, तब उसको वो फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर वह जानती है कि नहीं यह मेरा कॉलोनी का फेरोमोन नहीं है, तब उस पर अटैक भी कर सकती है। तो ये चींटी के बारे में है, ठीक है। और अब बात आ जाए कि चींटी, आप देखे होंगे ऐसे कि मतलब चींटी आ रही है तो हम लोग एक बॉर्डर लगा देते हैं ऐसे, है ना, कुछ आता है हम लोग उसको लगा देते हैं ऐसे बॉर्डर और फिर देखते हैं कि चींटी पार नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, सब नहीं, आप लीजिएगा चौक लीजिएगा ऐसे कीजिए तो ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे एक कुछ मतलब वैसा चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट चाहिए जो कुछ अपना स्मेल दे या फिर उसका जो फेरोमोन है उसको नष्ट कर सके,
उसका स्मेल को, तभी चींटी वहां से भटक सकती है। ऐसे नहीं भटकेगी वो, ऐसे वो सूंघ लेगी। पर आप अगर उससे भी ज्यादा अगर स्मेलिंग पावर वाला कुछ ऑब्जेक्ट वहां पर, मतलब मान लो चींटी जा रही है और उसके आगे वाला चींटी है, वो उसको सूंघ-सूंघ के फेरोमोन को आगे बढ़ रही है, आप क्या किए, बीच में कुछ लिए ऑब्जेक्ट जो कि उस फेरोमोन के जो गंध है उसको नष्ट कर सकती है, और इसमें आप ऐसे उस पर लाइन फाड़ दी है, तो फिर चींटी वहां से भटक सकती है, वहां से हट जाएगी, फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये चींटी के पीछे का फैक्ट है। तो अब आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी छठ पूजा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।